की खबरों के साथ वायरल न्यूज में हाजिर हूँ शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। तो खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल के घर के बाहर हमला हुआ है। कारों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर के जरिए दी है। राहत की बात यह है कि इस हमले में स्वाति मालीवाल और उनके परिवार के लोग सुरक्षित हैं। ये खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर के बाहर हमला हुआ है। कारों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर के जरिए दी है। राहत की बात हम ये है बता दें कि इस हमले में स्वाति मालीवाल और उनके परिवार के लोग सुरक्षित बताए गए हैं। तो बता दें कि DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोमवार की सुबह बताया कि अभी कुछ देर पहले ही मेरे घर पर कोई हमलावर घुस आया और उसने हमला कर दिया। मेरी और मेरी माँ की गाड़ी बुरी तरह से तोड़फोड़ कर डाली और घर में घुसने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि शुक्र है मैं और मेरी माँ दोनों घर में नहीं थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ भी कर लो मैं डरूंगी नहीं। स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा कि वे दिल्ली पुलिस में मामले की शिकायत कर रही है। यह हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्वाति मालीवाल ने बताया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर दुष्कर्म की धमकियां मिल रही है। उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। और बता दें कि स्वाति मालीवाल का आरोप है कि जब से उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर और बिग बॉस प्रतिभागी साजिद खान के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही है। दिल्ली महिला आयोग ने हाल ही में फिल्म निर्माता और निर्देशक साजिद खान को रियलिटी शो बिग बॉस से हटाने की मांग की थी। खबर राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को CBI पूछताछ कर रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ बड़ा रोड शो करके CBI के सामने पेश हुए। भाजपा ने इस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का जश्न ही भ्रष्टाचार है। साथ ही कहा कि मनीष सिसोदिया आज जिस तरह से अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर खुली कार में नारे लगा रहे थे, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का कोई विश्व कप जीत लिया है। खबर राजनीति से जुड़ी हुई है, तो बता दें कि भाजपा ने कहा है कि आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है, जब भ्रष्टाचारियों से सवाल जवाब करने के लिए बुलाया जाता है तब ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं, जैसे कि वो एक सत्याग्रह करने वाले हों। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो नौटंकी है वो सही मायने में एक फिल्म किस्म की है। आज जिस प्रकार की आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। संबित पात्रा ने ये कहा कि जब राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के मामले में बुलाया गया था तब ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी हुई थी, प्रदर्शन करने में लगी थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली करिए और जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप जश्न मनाइए। तो बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू हो चुकी है। वे 11:20 पर CBI कार्यालय पहुंचे। सिसोदिया ने CBI कार्यालय से पहले राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी बापू को नमन किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। खबर राजनीति से फिर जुड़ी हुई है, तो बता दें कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में शीर्ष अदालत ने भाजपा सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल इस मामले में तिवारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दे डाली, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हालांकि न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने जब उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा है कि हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट का ठीक से पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सिसोदिया ने भाजपा नेताओं सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस, प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, हरीश खुराना के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूल कक्षाओं के संबंध में उनके खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में निचली अदालत ने 28 नवंबर 2019 को समन जारी किया था, जिस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां मध्य दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई।
उसकी शिकायत शादीपुर गांव निवासी नितेश कुमार फोर के रूप में हुई। नितेश की मौत से नाराज परिजनों और शादीपुर के ग्रामीणों ने रविवार को पटेल नगर की मुख्य सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन किया। करीब दो घंटे बाद पुलिस ने समझा बुझा कर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटवाया। जिला पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने कहा है कि झगड़ा तो समुदायों का नहीं है, युवकों के दो गुटों में किसी बात पर झगड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत नितेश की ओर से की गई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद है। बजरंग दल का कार्यकर्ता नितेश बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे मोहल्ले में रहने वाले दोस्त आलोक और मोंटी के साथ मंदिर वाली गली में लगातार हॉर्न बजा रहे थे। नितेश ने इसका विरोध किया तो आरोपी गाली गलौज करने लगे। इसी बात पर नितेश का युवकों से झगड़ा हो गया। हाथापाई के कुछ ही देर बाद दूसरे पक्ष के करीब 15-20 लोग वहां पहुंचे। आरोपियों ने नितेश आलोक और मोंटी पर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर डाला। हमले में नितेश गंभीर रूप से घायल हो गए और रविवार की सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने यह बताया कि हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वारदात को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास भी किया जा रहा है, जबकि ये महज संयोग है कि आरोपी दूसरे समुदाय के हैं। पुलिस ने आरोपी उजेफा अदनान और अब्बास की पहचान कर वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब खबर रेल विभाग से जुड़ी हुई है, जहां देश में पहली बार मालगाड़ी के डिब्बे एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। RDSO, BSCO और हिंडालको की मदद से ये रैक तैयार करवाए गए हैं। ये रैक मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। खबर रेलवे विभाग से है। रेलवे ने बताया है कि बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंडालको के सहयोग से निर्मित वैगन का वजन घटाने के लिए इसका प्रति क्विंटल कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। रेलवे के मुताबिक ये रैक मौजूदा स्टील रैक की तुलना में लगभग 3.25 टन हल्का है, जिसके परिणाम स्वरूप समान दूरी के लिए गति बढ़ाने में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली की खपत भी कम होती है। ये पारंपरिक रैक की तुलना में प्रति ट्रिप 180 टन अतिरिक्त पेलोड ले जा सकता है और अपरदन प्रतिरोधी होने के कारण इसके रख रखाव की लागत कम होगी। रेलवे ने भी कहा कि नए रेक का पुनर्विक्रय मूल्य 80% है और सामान्य रेक की तुलना में ये 10 साल अधिक चलता है। हालांकि इसकी विनिर्माण लागत 35% अधिक है, क्योंकि अधिरचना पूर्ण रूप से एल्यूमिनियम की होती है। गौरतलब है कि ये डिब्बे खास तौर से माल ढुलाई के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसमें स्वचालित स्लाइडिंग प्लग दरवाजे पर लगे हुए हैं और आसान संचालन के लिए लॉकिंग व्यवस्था के साथ ही एक रोलर क्लोर सिस्टम से लैस होते हैं। खबर है पड़ोसी मुल्क चीन से, जहां बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स के विशाल कमरे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 2296 डेलीगेट्स चीन का भविष्य तय करने के लिए बंद हो चुके हैं। जब 22 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी का ये सम्मेलन खत्म होगा तो चीन को नया नेतृत्व मिल चुका होगा, लेकिन इस सारी कवायद का नतीजा पहले से ही तय है और इस कवायद को तय किया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, ताकि बतौर राष्ट्रपति उनकी अगली पारी पर मुहर लग सके। खबर पड़ोसी देश चीन से है, तो बता दें राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की राजनीति के ऐसे शख्स हैं जिनके हाथ में पिछले 10 से राजनीतिक और सैन्य सत्ता केंद्र रही है। शी जिनपिंग 2012 से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वेसर्वा रहे हैं। 2012 से ही वे चीन की शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन हैं, यानी कि चीन की सेना का सारा कमान उन्हीं के हाथों में है, और 2013 से वे चीन के राष्ट्रपति हैं। अब चीन के बीजिंग शहर में एक बार फिर से उनकी ताजपोशी की तैयारियां चल रही है। इसके साथ ही शी जिनपिंग चीन में चली आ रही 30 साल पुरानी उस परंपरा को तोड़ने जा रहे हैं, जहां पहले ये नियम था कि देश का सुप्रीम नेता 10 साल बाद अपने पद को छोड़ देगा। दुनिया में दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी सत्ता से बने रहने की इस नीति पर अमल कर चुके हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दो बार राष्ट्रपति बनने के बाद 2008 में पुतिन को अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये संवैधानिक मजबूरी थी, लेकिन पुतिन ने रूसी संविधान में संशोधन किया और 2012 में तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति बन गए। खबर है सिनी जगत से, तो बता दी जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन बेफराजी पर भड़कती नजर आ रही है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। दिग्गज अभिनेत्री और नेता जया बच्चन को अक्सर पैपराजी पर भड़कते हुए देखा गया है। वह कई मौकों पर मीडिया कर्मियों पर अपना गुस्सा निकाल भी चुकी हैं और ऐसा एक बार फिर हुआ। बीती रात जया अपनी नाती नव्या नवेली नंदा के साथ एक फैशन शो में पहुंची। इस शो को अटेंड करने के बाद जब जया और नव्या एक साथ बाहर आए तो उन्हें घेर लिया गया और उनकी फोटोज क्लिक करने लगे, जिस वजह से जया बच्चन को गुस्सा आया। इसी वजह से जया ने कई पैपराजी की क्लास भी ले डाली। जया बच्चन अपनी नातिन के साथ आगे की ओर बढ़ रही है, इस दौरान दोनों को पैपराजी ने घेर रखा है। तभी एक फोटोग्राफर अचानक ही लड़खड़ा जाता है, जिस पर जया बच्चन बोलती है, उम्मीद करती हूँ कि तुम दोगुना तेजी से गिरो। वायरल न्यूज़ फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल न्यूज़। नमस्कार।